तो वेलकम टू पीवीआर स्टडी। सुबह के 8 बज चुके हैं और शुरू हो चुकी है कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। इसका है चैप्टर 2, जिसका नाम है, चैप्टर 2 का नाम बहुपद, इंग्लिश में पॉलीनोमियल। दोस्तों, ये कक्षा 10 का सिलेबस है और भारत के सभी राज्यों में सिलेबस इसका सेम ही है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट का बोर्ड हो, हर जगह आपको यही सिलेबस मिलेगा, यही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको प्लीज़ आप अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए पढ़ते हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर 2 में इसमें एक ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको, जिसमें ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, या फिर कहेंगे शून्यकों की संख्या कितने हैं। कितने शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ग्राफ को देखना है और बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ही आसान है। आप इस ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देखिए कि ये यक्स एक्सिस को, यक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। जितनी बार टच करेगा वो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ये ग्राफ है, बना हुआ है, जो कि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, जीरो है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, 1, 2, 3, एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच किया, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 3 आंसर हो गया। ये इसमें नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे, जो कि 2 बार टच कर रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है ग्राफ आपका बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, 1, 2, फिर 3 पॉइंट पे टच किया, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन या शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और देख लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे, जो कि सिर्फ इतना देखेंगे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 इज द योर आंसर। ये है एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट होती है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, जो कि फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम की डेट को देखते हुए जल्दी से अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेंगे। द्विघात समीकरण, जैसे पॉलीनोमियल्स है, बहुपद है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर शून्यकों का मतलब है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 2 डिग्री क्वेश्चन है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। मान लो एक सॉल्यूशन अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा में 2 संबंध होता है, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस BA होता है। माइनस बी एक्स के गुणांक और ए एक्स स्क्वायर के गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे। पूरी एक्सरसाइज 2.2 में ये आपको काम देंगे। ax² + bx + c = 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो ले लेंगे। इसको द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि से, वैसे इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एट वन, यहाँ पे वन मान सकते हैं, एट वन जा एट, एट का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो कि माइनस करने पर टू आए। एट का ऐसा गुणनखंड कीजिए टू, टू टू जा फोर, फोर माइनस टू यानी फोर माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू टू फिर आ जाएगा। एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ x दो बार, यहाँ x एक बार, x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x माइनस फोर प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस फोर। इस लाइन में आप देखेंगे कि दोनों ब्रेकेट की चीज़ें एकदम सेम आएंगी, अगर सेम नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कहीं गलती है। पूरे इक्वेशन में x माइनस फोर कॉमन है, x माइनस फोर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ये कॉमन हो गया, बचा है क्या x और 2, तो बचा क्या दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू, दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू बचा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद एक बार x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे और एक बार x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, तो इसके दो शून्य यानी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखते हैं, इधर करते हैं, x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे, तो x इक्वल टू फोर इधर आएगा, प्लस फोर हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, और x इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक वैल्यू ये आ गई। तो इसके दो शून्य आए, फोर और माइनस टू। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, अल्फ़ा मान लो ये क्या आया है अल्फ़ा, ये क्या आया है बीटा, तो इन दोनों का योगफल यानी मूल, इसको कहते हैं मूल या शून्यक, मूलों का योगफल फोर प्लस माइनस टू कितना आ रहा है टू, और मूलों का गुणनफल फोर इंटू माइनस टू कितना आ रहा है माइनस एट। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल के देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ से तुलना करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू, माइनस बी एक माइनस बाहर, और एक वैल्यू क्या आएगी वन, वन नीचे रख देंगे, तो यहाँ भी क्या आ गया टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, सत्यता की जांच सही है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है सी बाई ए, सी अपान ए, सी कितना है माइनस एट, माइनस एट अपान ए कितना है वन, एट अपान वन इक्वल टू माइनस एट, तो यहाँ भी माइनस एट, यहाँ भी माइनस एट इक्वल है, यहाँ टू, यहाँ भी टू इक्वल है, यानी कि इसमें जो गुणांकों की सत्यता की जांच करनी थी वो भी सही आ रहा है दोनों में, दोनों का अगर यहाँ पर माइनस एट यहाँ पर कुछ और आ जाता तो ये सत्यता की जांच गलत होती और इसका सलूशन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके चाहे वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करिए।
दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह है पहले की जैसा। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6x² - 3 - 7x। तो 7x को बीच में कर लेंगे, 3 को इधर कर देंगे, 6x² - 7x - 3। ये क्वेश्चन है। तो अगर देखेंगे ax² + bx + c के टाइप का ही है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x² - 7x - 3 को सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, यानी इसके सोल्यूशन कैसे आते हैं। 3 और 6, सबसे पहला काम करेंगे 3 और 6 का मल्टीप्लाई कितना, 6 3 18, 18 को फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, जिससे कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, 3 2 6 6 3 18। तीन त्रिक का 9, अगर इसको इसको लोगे 3 2 6 6 - 3 नहीं आएगा, 3 3 जा 9 9 - 2 9 - 2 7 आ जाएगा। तो 3 3 जा एक साथ ले लेंगे 9 और 2, इसका फैक्टर जो बना 9 और 2, 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर यही है, लिख लीजिए 6x² - 9x - 2x - 3। एक लाइन बीच में चाहे लिख सकते हैं, x 9 - 2, x से अंदर गुणा हो जाएगा, 9x - 2x हो जाएगा। इसमें कॉमन है 3x, कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x, देखिए इसको फिर से बताते हैं पूरा शुरू से, 6x² - 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9 - 2 9 - 2, x - 3, जिससे कोई गलती होने की संभावना ना रहे, 6x² - 9x, और ये माइनस अंदर में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2x - 3, क्या बन गया। अब यहाँ पर 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 2x - 3, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x - 3। अब इसके बाद पूरे समीकरण में 2x - 3 कॉमन है, 2x - 3 2x - 3, 2x - 3 कॉमन लेंगे, और बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, 3x + 1। ये इसको समीकरण बनाने के लिए अगर सबके आगे जीरो कर देंगे, इक्वल जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हल करना है, एक बार 2x - 3 इक्वल जीरो लेंगे, और एक बार 3x + 1 इक्वल जीरो लेंगे, 2x = 3x = 3/2, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू 3x = -1 x = -1/3। अब इसमें इसके गुणांकों की जांच करना है, तो सूत्र बताए थे क्या होता है, α + β = -b/a होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ax² + bx + c से तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू b की वैल्यू 7,
और सी की वैल्यू 3 माइनस के साथ लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ की वी की वैल्यू कितनी है, -7। इसको इस तरह से अगर लिख लेंगे जैसे नीचे लिखा हुआ है, 6x² -7x और -3 इक्वल टू 0, 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये जो एक वैल्यू आई है ये एक वैल्यू अल्फ़ा है, दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा है। पहली वैल्यू अल्फ़ा रखेंगे 3/2 प्लस दूसरी -1/3, -1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, -7 माइनस फिर अंदर में माइनस, -7 अपान ए की वैल्यू है 6। इसको इधर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो समझ लो गुणांकों की जांच सही है। इसको हल करेंगे 3 2 6 9, 3 2 6 6 1 6 1 बार गया, 1 से ऊपर 2 3 6 3 बार गया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 9 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 3 2 6 2 1 2 -2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इधर भी 9 - 2 क्या आ जाएगा, 7/6। इधर भी 7/6। इक्वेशन नंबर 1 मान लो या कुछ भी मान लो, यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि पहले इक्वेशन में अभी एक और इक्वेशन बनेगा। पहले इक्वेशन में संबंधों की जांच सही है, दूसरा इधर बताते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व कर लीजिए। इसका अगला गुणांक क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है, जो कि सी की वैल्यू 2 सी एक गुणांक है, ए एक गुणांक है, किसका, ax² + bx + c का। इससे तुलना करेंगे, सी की वैल्यू क्या है, -3 रख देंगे अपान ए की वैल्यू क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, 3/2 सॉल्व करने पे 3/2, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -1/3। दोनों को सॉल्व करो, दोनों LHS और RHS बराबर आने चाहिए, 3 3 कैंसिल हो गया, -1/2 और इधर भी 3 3 3 2 6 -1/2 LHS इक्वल टू RHS, अर्थात इसमें जो शून्यकों का मान आया है और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच ये जो संबंध होता है, कौन सा संबंध, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सही है, सत्य है, संबंधों के सत्यता की जांच सही है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों यानी मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है, जैसे 1.4 और 1, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। आप लोग सोच रहे होंगे शून्यकों या मूलों है क्या, जैसे कोई समीकरण था ax² + bx + c = 0, ये एक बहुपद है, जब इसको सॉल्व करते थे मान लो दिया है 2x² + 6x + 9 = 0, जब इसको सॉल्व करते थे तो x की 2 वैल्यू आती थी, वही इसके 2 मूल हैं, 2 शून्यक हैं, एक मूल अल्फ़ा हो जाता था, एक मूल बीटा हो जाता था। तो मूलों का योगफल जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, योगफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल होता है, गुणनफल। ऐसे कोई समीकरण है जिसका मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, इसका इक्वेशन बनाता है, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये हल होगा। इसका एक सूत्र होता है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मूलों का योगफल दिया है अल्फा
प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल और 1 शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो सूत्र होता है वो इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी सूत्र पे ये पूरा क्वेश्चन लगेगा। इसके कई पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका कैसे होगा। आइए इसी सूत्र में मान रखते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, अल्फा दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1। इसी सूत्र में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 रख देंगे, 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स से अंदर में गुणा होगा एक्स अपान 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस समय ये जो बहुपद आया है नीचे 4 है, यानी इसका डिनोमिनेटर ख़त्म कर देंगे, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, 1 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर इधर कर देते हैं। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे ऊपर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, माइनस 4x/4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा x, प्लस 4 बन जा 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बचा, 4x स्क्वायर, यहाँ पे x बचा है माइनस x, प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़ योर आंसर। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक द्विघात के मूलों का योग 1/4 है, मूलों का गुणनफल 1 है, तो वो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो वो बहुपद इस सूत्र में रख करके, अल्फा और बीटा का मान रख करके, इस तरह से ये बहुपद निकल आया, यही हो गया आपका आंसर। इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में दिया गया है अंडर रूट टू कॉमा वन अपान फोर। तो बताइए अंडर रूट टू क्या है, कमेंट करके बताइए। अंडर रूट टू क्या है, मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया है अंडर रूट टू, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/4। सूत्र क्या लगाएंगे, पहले क्वेश्चन में जो लगाए थे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये नहीं पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद का एक मूल है अल्फा, एक मूल है बीटा। जब इसको हल करेंगे तो दो मूल निकलेंगे, एक है अल्फा एक है बीटा, और इन दोनों का योगफल अंडर रूट टू है, इन दोनों का गुणनफल 1/4 है। इसी सूत्र में रखेंगे और इस मूल का एक बहुपद निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देंगे अंडर रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स से गुणा होगा अंडर रूट टू एक्स प्लस 1/4। फिर वही चीज़ करेंगे, नीचे 4 है डिनोमिनेटर हटा देंगे, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में 4 से गुणा करने पर,
4 से गुणा करने पर। आइए इधर देखते हैं, 4 से गुणा करके 4x² माइनस 4 इंटू रूट 2x प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4x² माइनस 4 इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस यहाँ बचा 1 इक्वल टू 0। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट दूसरा है, जिसका मूलों का योगफल 1 अंडर रूट 2 है और मूलों का गुणनफल 1/4 है। सूत्र लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए दोस्तों। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा हो गया है, तीसरा और चौथा बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, होमवर्क है। तीसरा चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं, तीसरा चौथा, तीसरे में है तीसरा और चौथा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है 0.5 और चौथा है 1.1। ये है होमवर्क, आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम इसको अगले पार्ट में फिर से बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको कोशिश करिए, घर पे करिए, अगर नहीं आता है तो ही बताएंगे। तीसरा और चौथा इसको नोट कर लीजिए। आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा है -1/4, 1/4। तो ये -1/4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है +1/4। सूत्र ये है, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस के साथ ही लिखेंगे -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4। x² ये माइनस ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। और x से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में हो जाएगा x/4 और +1/4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, कोई भी नंबर रहेगा, जो नंबर रहेगा उसी से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा कर देंगे, इधर कर दे रहे हैं, 4x² प्लस इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा x, कर ही देते हैं 4 × 4 प्लस 4 × 1/4 इक्वल टू 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 4x² प्लस x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन, जिसमें मूलों का योगफल दिया है 1/4, मूलों का गुणनफल दिया है -1, मूलों का मतलब शून्य को। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1, बहुत ही आसान है। x² सूत्र में मान रख देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल टू 0। x² माइनस x/4, ये माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो नीचे 4 है, 4 से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस 4 इंटू x/4 -4 इक्वल टू 0। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, 4x² माइनस, यहाँ पे x बचा हुआ है x, माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। आपका चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जिसमें पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे पी एक्स एक बहुपद है, जी एक्स एक बहुपद है, जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है और भागफल और शेषफल यानी कोशेंट और रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका मेथड क्या है, कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुणा कर देंगे, एक्स क्यूब बन जाए। तो सिंपल क्या है, एक्स से अगर इसमें गुणा कर देंगे एक्स क्यूब, हमेशा इसका पहला पद बराबर करने की कोशिश करेंगे जिससे ये नीचे आकर के कट जाए। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x, अब 2x आएगा तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, x वाले पद के नीचे लिखेंगे, यानी माइनस 2x, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे जिसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको सीधे माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कोई कौन सा सिंबल है, प्लस, माइनस में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का प्लस हो गया, एक्स क्यूब कट गया, ये माइनस 3x² आ गया, और ये प्लस 7x, और ये माइनस, यहाँ भी 0 लिख लो, और ये आ गया 3, माइनस का 3 वैसे उतर गया। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई x² में कर देंगे तो ये भी 3x² बन जाएगा, और किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² ये भी नीचे आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस का 6 जो कि इसके नीचे लिखेंगे, 7x के नीचे नहीं लिखेंगे, सजातीय पद के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस 0 कर दो जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब फिर माइनस कर लेंगे भाग में, जैसे कि सिंपल माइनस करते हैं, माइनस है प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, भाग में जब नीचे घटाते हैं तो माइनस करते हैं ना, सेम उसी तरह ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x² प्लस, अब इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है, माइनस 3x² प्लस 3x² कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7x में से 0 माइनस करेंगे उतना ही आएगा 7x, और प्लस यहाँ पर इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 9, ये आपका क्या हो गया, शेषफल, ये आपका शेषफल हो गया, और ये क्या हो गया, x माइनस 3 क्या हो गया आपका, भागफल, भागफल यानी क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन, शेषफल मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 1, जिसको पी एक्स में जी एक्स से भाग देना था, भागफल आया x माइनस 3 और शेषफल आया 7x माइनस 9, इसको कर लीजिए सब लोग। फिर अगला क्वेश्चन जिससे कन्फ्यूजन ना हो, आगे ऐसे भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर 2, कितनी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक्स की पावर 4 यहाँ पर आ जाए, कितने बार, x² बार, तो x² से इन तीनों पद में मल्टीप्लाई होगा और सजातीय पद नीचे सजातीय पद लिखेंगे, x² इंटू x² एक्स की पावर 4 माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस x का क्यूब, x² इंटू 1 तो प्लस x², अब इसको माइनस कर लेंगे, माइनस में नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, अब ये चिन्ह बदल गया, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला ही सिंबल यूज होगा, x की पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये माइनस x³ था, अब आ जाएगा, बन जाएगा प्लस x³,
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर बन गया। और इसके नीचे कुछ नहीं ऐसे लिख लेंगे प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कितनी बार ले जाएं कि ये एक्स क्यूब बन जाए, एक्स बार प्लस एक्स बार, तो एक्स का क्यूब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें वन में मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स, माइनस कर लो चिन्ह बदल करके, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। चिन्ह बदलने के बाद नीचे वाला चिन्ह ही मान्य होगा, ऊपर वाला नहीं। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन एक्स क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एक्स और प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ थ्री है, अगर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा और कट जाएगा, तो प्लस कितनी बार ले जाएं, माइनस थ्री बार अगर ले जाएंगे, माइनस थ्री से भी मल्टीप्लाई, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री, माइनस एक्स में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो के प्लस थ्री एक्स बन जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस थ्री हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे और घटा लेंगे, माइनस प्लस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, और माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस थ्री एक्स, एक बार यहाँ देखेंगे, जैसे प्लस फोर एक्स माइनस एक्स, ये माइनस होगा तो यहाँ पर बड़ी चिन्ह का सिंबल लगेगा प्लस, और ये भी प्लस, तो इसका माइनस हो जाएगा, यानी कि अब ये कैंसिल हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, अब ये प्लस नहीं माइनस थ्री एक्स, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस फाइव और प्लस थ्री क्या आ गया, प्लस एट, यानी एट क्या हो गया रिमाइंडर शेषफल, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इसका भागफल हो गया, ये हो गया भागफल, यानी क्वेश्चन, और ये हो गया शेषफल एट, शेषफल कितना है एट है रिमाइंडर। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर इसका पार्ट थ्री भी है, इसके बाद पार्ट थ्री डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट का आ गया पार्ट नंबर थ्री, पी एक्स है एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स है टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और टू को बाद में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको डिवाइड करना है पी एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर फोर है, तो कितनी बार ले जाएं कि ये एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स की पावर फोर बन जाए, एक्स स्क्वायर बार, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे तब ये जाके प्लस आएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस एक्स की पावर फोर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, इसको अलग लिख दें, माइनस टू एक्स स्क्वायर, और जो सजातीय पद नहीं मिला उसके नीचे जीरो लिख देंगे और इसको माइनस कर लेंगे, प्लस है चिन्ह बदलेगा माइनस, प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स पावर फोर, एक्स की पावर फोर कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस था, उसके बाद एक्स स्क्वायर ला के आगे लिख लेंगे, टू एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस फाइव एक्स और फिर प्लस सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, किस चीज़ से इसमें किस चीज़ से गुणा कर दें कि ये टू एक्स स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पर देखिए माइनस टू से अगर गुणा कर देंगे माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर
माइनस टू से प्लस टू में मल्टीप्लाई, प्लस कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, माइनस के साथ फोर, इसके नीचे कुछ नहीं आया, जीरो लिख लो, चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस फाइव एक्स में से जीरो चाहे प्लस करो चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, प्लस टेन, तो इसका शेषफल कितना आया, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, और भागफल कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे लिख लेंगे भागफल कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, और शेषफल कितना आया, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थ्री। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, इसको आप लोग सब लोग कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर दो का पार्ट वन, इसमें भी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, थ्री पार्ट हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ये एक बहुपद दिया है टी स्क्वायर माइनस थ्री, और दूसरा बहुपद है टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। इसको देखना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो अब जैसे टेन है और टू है, बताना है टू टेन का गुणनखंड है कि नहीं है। तो टू को टेन से भाग दो, टू फाइव जा टेन, दो पंचे दस, शेषफल क्या आया, जीरो। अगर शेषफल जीरो आ गया तो ये दो दस का गुणनखंड है, अगर कुछ शेषफल बच जाएगा तो ये गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर ग्यारह होता तो यहाँ पर दस, और शेषफल क्या आ जाता, वन। तो ये दो ग्यारह का गुणनखंड नहीं होता। तो सेम उसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, टी स्क्वायर माइनस थ्री से दूसरे बहुपद में भाग दे के देखेंगे, अगर शेषफल आता है तो गुणनखंड नहीं है, अगर शेषफल कुछ नहीं आता यानी शून्य आता है तो ये गुणनखंड है। तो टी स्क्वायर माइनस थ्री भाग देंगे टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। यहाँ पर टू और टी की पावर फोर है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो कितनी बार ले जाएंगे जिससे ये कट जाए नीचे, टी स्क्वायर बार और टू साथ में, तो टू टी स्क्वायर बार ले जाएंगे तो ये टू टू टी की पावर फोर बन जाएगा और कट जाएगा, टू टी की पावर फोर। अब ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स टी स्क्वायर, तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे लिखें माइनस सिक्स टी स्क्वायर, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, क्यूब वाला क्यूब के नीचे लिखेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो लिख लो जिससे कन्फ्यूजन ना हो, माइनस कर लो, प्लस है माइनस, माइनस माइनस है प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, टू टी की पावर फोर माइनस टू टी की पावर फोर कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस नाइन टी और माइनस ट्वेल्व। यहाँ पर टी का क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर है, कितना बार ले जाएंगे, टी बार, पहली बात तो टी बार ले जाएंगे, टी बार, और थ्री से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री टी बार ले जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर थ्री टी क्यूब बन जाएगा। पहला पद देखते हैं, पहला पद जैसे कैसे पहला पद को कैंसिल कर दें बस, तो ये बन गया थ्री टी का क्यूब और माइनस थ्री 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 जा नाइन्टी, तो नाइन्टी कहाँ लिखेंगे, नाइन्टी के नीचे माइनस नाइन्टी, फोर टी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं आया, जीरो लिख दो, माइनस जीरो लिख दो, प्लस है माइनस
माइनस माइनस है प्लस माइनस है प्लस प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री टी स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस फोर टी स्क्वायर ये माइनस नाइन टी प्लस नाइन टी कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया माइनस ट्वेल्व फोर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है यहाँ पर भी टी स्क्वायर है अगर इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी फोर टी स्क्वायर बन जाएगा तो प्लस फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा फोर टी स्क्वायर और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा ये भी कैंसिल माइनस प्लस तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर ज़ीरो रिमाइंडर कुछ नहीं आया बस इतना देखना था कि इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो ये एक गुणनखंड होगा लिख देंगे अतः टी स्क्वायर माइनस थ्री कितने का टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व का एक गुणनखंड है। इसके बाद है इसको कर लीजिए अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो समझ लीजिए कि पहला पद बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अगर रिमाइंडर कुछ बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं है। इसका भी पार्ट दो और तीन पार्ट है तो इसको कर लीजिए फिर दूसरा पार्ट छोड़ के तीसरा पार्ट बताते हैं। दूसरा पार्ट होमवर्क है क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग घर से करना अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना हम दूसरा पार्ट भी बता देंगे। घर पे प्रयास कीजिए कुछ करने की कोशिश कीजिए ठीक है। इसमें बस इतना ही करना है अगर गुणनखंड है तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन पहला बहुपद है दूसरा है थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ये दूसरा पार्ट है आप लोग इसको कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो हम बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी बुक में सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बताना है गुणनखंड है कि नहीं है तो सिंपल इसको इससे भाग देंगे और देखेंगे अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इतने का एक गुणनखंड है। अगर रिमाइंडर नहीं आया अगर रिमाइंडर कुछ आ गया कुछ नीचे बचता है तो लिख देंगे कि ये इतने का एक गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं इसका पार्ट थ्री। एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन दूसरा पद है एक्स पावर फाइव माइनस फोर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इसको डिवाइड करके देखेंगे अगर रिमाइंडर आता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आता रिमाइंडर शून्य आता है तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स पावर फाइव माइनस फोर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन आइए देखते हैं एक्स क्यूब यहाँ पर है एक्स पावर फाइव यहाँ पर है कितनी बार ले जाएं कि ये भी एक्स की पावर फाइव बन जाए एक्स स्क्वायर बार और एक्स स्क्वायर बार सब में तीनों पद में मल्टीप्लाई करके नीचे सजातीय पद की नीचे सजातीय पद लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर फाइव एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स माइनस के साथ तो
तो माइनस थ्री एक्स का क्यूब बन जाएगा। कहाँ लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, कैंसिल हो गया। प्लस एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फाइव कैंसिल हो गया। प्लस माइनस फोर एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का क्यूब, तो ये इसमें से माइनस होके माइनस एक्स का क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या, प्लस थ्री एक्स और प्लस वन। क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस वन। यहाँ पर x का क्यूब बचा है, यहाँ पर भी x का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस। तो अगर माइनस वन बार ले जाते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और पहला पद कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस वन से इसमें आएगा प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस थ्री एक्स और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस वन। माइनस है प्लस बन जाएगा, प्लस है माइनस बन जाएगा, माइनस है प्लस बन जाएगा। माइनस थ्री एक्स क्यूब है और नीचे प्लस थ्री एक्स क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस थ्री एक्स है, माइनस थ्री एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस वन, नीचे भी प्लस वन, प्लस टू आ गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, टू। रिमाइंडर यानी शेषफल, शेष क्या आ गया, टू। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इतने का एक गुणनखंड नहीं है, लिख देंगे अतः, अतः एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स पावर फाइव माइनस फोर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल यहाँ पर आ गया, शेष आ गया दो। अगर यही रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो आ जाता तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाता, ठीक है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये यहाँ तक कर लीजिए, इसका दूसरा पार्ट होमवर्क है, घर से करके आइएगा, नहीं आता है तो हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ये था प्रश्न दो का पार्ट थ्री, इसको आप लोग कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बताइए। और रोज़ सुबह 8 बजे लाइव चलता है, आप लोग आ करके पढ़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसको करने के बाद बाकी एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा क्वेश्चन मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।